पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का क्रैकडाउन, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तंसीब ना करने वाले 5-स्टार होटल्स पर भारी जुर्माना आयद किया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। सलीम शेख, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के चेयरमैन नमान यूसुफ की हदायत पर 5-स्टार होटल को जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। तमाम 5-स्टार होटल्स को 1-1 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। जुर्माना आयद करने के बाद तमाम 5-स्टार होटल को सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए 1 माह का वक्त फराहम किया गया है और कहा गया है कि मुकर्रर वक्त के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तंजीम ना करने की सूरत में दुगना जुर्माना आयद किया जाएगा। मुतद्दद बार याद दहानी और मालूमती सेशन मुनक्कद करने के बावजूद 5-स्टार होटल ने सिस्टम तंसीब ना की थी, जिस पर जो है ये जुर्माने किए गए हैं और कहा गया है कि आइंदा अगर ये तो ना किया गया तो इनको दुगने जुर्माने किए जाएंगे। रेस्टोरेंट में सिस्टम की तंसीब के बावजूद रसीदों का इजरा ना करने वालों को भी इंतबाही नोटिस जारी किए गए हैं और 60 लाख सालाना या जायद आमदन वाले रेस्टोरेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम की तंसीब करवाना लाजमी करार दिया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम शेख, तफसीलात से आपने आगाह किया।